दुर्वरेण्यं हर गोवस्यति महि धियो यो न प्रचोदयात्। यस, ओपन योर आईज। यस, टुडे इज अवर मैथ्स क्लास एंड वी विल रिवाइज टेबल ऑफ 4 and 5 फर्स्ट। ओके, यस, here is table of 4। यस, 4 ones are 4, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 fives are 20, 4 sixes are 24, 4 sixes are 24, 4 sevens are 20, 4 sevens are 28, 4 eights are 32, 4 eights are 32, 4 nines are 36, 4 nines are 36, 4 tens are 40, 4 tens are 40. Let's revise once again. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 twos are 12, 4 twos are 16, 4 fives are 20, 4 sixes are 24, 4 sevens are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 5, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 threes are 15, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 fives are 25, 5 sixes are 30, 5 sixes are 30, 5 sevens are 35, 5 sevens are 35, 5 eights are 40, 5 eights are 40, 5 nines are 45, 5 nines are 45, 5 tens are 50. Yes. Pragya, bache, mute your mic. Yes. Let's revise once again. 5 ones are 5. 5 twos are 10. 5 threes are 15. 5 fours are 20. 5 fives are 25. 5 sixes are 30. 5 sevens are 35. 5 eights are 40. 5 nines are 45. 5 tens are 50. Okay.
So, my dear students, you also revise table of 4 and 5 today. आज आप लोगों को 4 और 5 का टेबल करके 2 टाइम्स राइट डाउन करना, ठीक है जी? 2 टाइम्स लिखना आप लोगों को. नेक्स्ट टॉपिक टू एडिशन. लास्ट टाइम हम लोगों ने एडिशन सम्स फिंगर पे सीखा, आज हम लोग ऐसे ही फिंगर्स पे आज सम्स की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन? एडिशन मीन्स टू जॉइन टूगेदर. एडिशन का मीनिंग क्या होता है? जॉइन टूगेदर मतलब सबको इकट्ठा करना, सबको जोड़ना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग सम्स. ऑलवेज स्टार्ट सम फ्रॉम योर राइट हैंड साइड. आप लोगों को हमेशा सम कहां से करना है? अपने राइट हैंड साइड से. दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड. ऑलवेज स्टार्ट सम फ्रॉम राइट हैंड साइड. आप लोगों को सम हमेशा कौन से कहां से शुरू करना है? राइट हैंड साइड से. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द अपर नंबर. सबसे पहले कौन सा नंबर देखना है आपको? अपर नंबर मतलब ऊपर वाला नंबर. यस, विच नंबर इज दिस? दिस इज नंबर 3. दिस इज नंबर 3. सो यू हैव टू शो द 3 फिंगर्स फर्स्ट लाइक दिस. यस, 3 फिंगर्स. यस, हियर्स 3 फिंगर्स दैट काउंट 1, 2, 3. ओके, क्योंकि ऊपर कौन सा नंबर है? 3 नंबर है, तो आप लोगों को पहले 3 फिंगर शो करनी है. 1, 2, 3. नाउ लुक एट द लोअर नंबर. विच नंबर इज दिस? दिस इज नंबर 4. दिस इज नंबर 4. नाउ यू हैव टू शो 4 फिंगर्स. नाउ यू हैव टू शो 4 फिंगर्स. 1, 2, 3, 4. ओके, ऊपर वाला नंबर 3 था तो हम लोगों ने 3 फिंगर शो की थी, और नीचे वाला नंबर क्या है? 4 है, तो हम लोग 4 फिंगर शो करेंगे. लेट्स काउंट टुगेदर. अब हम इन सब फिंगर्स को एक साथ काउंट करेंगे. लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? कितनी फिंगर्स हो गई ये सारी? 7 फिंगर्स. कितनी हो गई? 7. तो इस तरह से आप लोगों को फिंगर्स को काउंट करके आंसर वाले ब्लॉक में आपको आंसर लिखना है. कितनी फिंगर्स थी? 7. आपको आंसर में लिखना है 7. पिक्चर में आ रही है. मैम की पिक. Now we have बोलो. कुछ नहीं आ रही मैम. कुछ नहीं आ रही है मैम. मैम कुछ नहीं आ रही है मैम. यहाँ फेंक रहा है. That is number 1. That is number 1. So we have to show 1 finger like this. 1. Let's join all the fingers together. Sari fingers ko ikatthe join karke count karenge. 1, 2, 3. Kitni fingers ho gayi sari? 3 fingers. 1, 2, 3. So we have to write down number 3. कुछ नहीं दिखाई दे रही है.
आप लोगों के पास क्या हो गया, आंसर आ गया। ओके जी, यस। आप लोगों को सबसे पहले ज्वाइन करके एडिशन करते हुए सबसे पहले राइट हैंड साइड को चेक करना है, ऊपर वाला नंबर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऐसे कैसे नहीं आ रही है, मेरे को सुनाई दे रही है। मैम आपकी स्क्रीन भी दिखाई नहीं दे रही, आपने बात भी सुनाई नहीं दे रही, बस आप ही दिख रहे हैं। Yes. आपको ऊपर वाला नंबर देखना है, फिर नीचे वाला नंबर, ठीक है, फिर दोनों को इकट्ठे काउंट करना है और उसका आंसर नीचे राइट डाउन करना है। फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, ऊपर वाला नंबर जितना लिखा है उतनी फिंगर शो करनी है, फिर नीचे वाले नंबर की फिंगर शो करनी है, सारी फिंगर्स को एक साथ काउंट करना है और उस तरह को आंसर वाले ब्लॉक में राइट डाउन करना है। ओके मंजुला, here is, yes, screen is not visible, yes, screen is not visible, not visible, not, yes, now, okay, okay, yes, here is a second sum, we have to solve, I should try first. Look at the upper number. Zero means nothing. Zero means nothing. So we have show no finger. Because zero ka means ho. And zero hai. So aapko yahan pe bhi koi finger show nahi karni hai. Hum logon ne dono side pe koi finger show nahi ki hai. Means answer means zero. जीरो में जब हम जीरो ऐड करते हैं तो आंसर भी क्या होता है, जीरो होता है। ओके बच्चे, नाउ वी हैव टू सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द अपर नंबर, व्हाट इज दिस, दिस इज नंबर फोर, दिस इज नंबर फोर, सो वी हैव टू शो फोर फिंगर्स लाइक दिस, वन टू थ्री फोर, क्योंकि ऊपर फोर नंबर लिखा था इसलिए हम लोग फोर फिंगर्स दिखाएंगे, वन टू थ्री फोर। अब हम लोअर नंबर चेक करते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज नंबर थ्री, तो हम लोग इसमें थ्री नंबर, थ्री फिंगर दिखाएंगे, वन टू थ्री। ओके, कि नीचे थ्री नंबर लिखा है इसलिए थ्री फिंगर्स। अब हम इन सारी फिंगर्स को एक साथ काउंट करेंगे, ठीक है, फिंगर्स को एक साथ हम लोग काउंट करेंगे, सो लेट्स काउंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो हमारे पास कितनी फिंगर्स हो गई, सेवन फिंगर्स। जब हमने इन सारी फिंगर्स को एक साथ काउंट किया तो कितनी फिंगर्स हो गई, सेवन फिंगर्स। सो वी हैव टू राइट डाउन नंबर सेवन इन आंसर ब्लॉक, हम नंबर सेवन को कहाँ लिखेंगे, आंसर में। ओके बच्चे, यस, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, another sum, here is our next column, first of all check the upper number, this is number 3, how many fingers we have to show, 3 fingers, okay, 3 number likha hai isliye 3 fingers hum log show karenge, 1 2 3, okay, now we have to check the lower number, to hum iske niche wala number check karte hain, yahan pe bhi kitna number likha hai, नंबर थ्री, यहाँ पे भी क्या लिखा है, थ्री नंबर्स, तो हम लोगों को दूसरे हैंड के भी थ्री फिंगर्स शो करनी है लाइक दिस, वन टू थ्री, फर्स्ट हैंड के भी थ्री फिंगर्स, सेकंड हैंड के भी थ्री फिंगर्स। अब हम इन सबको तो कितनी फिंगर्स हो गई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितनी फिंगर्स हो गई सारी, हम लोग नंबर सिक्स को कहाँ लिखेंगे, आंसर में, कहाँ लिखेंगे, आंसर में। ओके, थ्री प्लस थ्री मीन्स सिक्स, थ्री प्लस थ्री मीन्स सिक्स। ओके, सो वी हैव टू सॉल्व
the left hand side now. First of all, check the upper number. This is number 4. This is number 4. तो आप फर्स्ट हैंड में कितनी फिंगर्स शो करोगे? 4 फिंगर्स. कितनी फिंगर्स शो करोगे? 4 फिंगर्स. क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? 4 लिखा है. ठीक है, ऐसे हम लोग 4 फिंगर्स शो करेंगे. यस, 1 2 3 4. ओके, और अब हम क्या चेक करेंगे? नीचे वाला नंबर. नीचे वाला नंबर कौन सा है? 1. नीचे वाला नंबर कौन सा है? 1. तो हम सेकेंड हैंड के कितनी फिंगर्स दिखाएंगे? 1 फिंगर. ऐसे 1 फिंगर. अब हम इन सारी फिंगर्स को ज्वाइन कर देंगे और काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5. हमारे पास कितनी फिंगर्स हो गई? 5 फिंगर्स हो गई. 5. तो हम यहाँ 5 नंबर का रखेंगे आंसर वाले ब्लॉक में. ठीक है, 4 + 5 कितना होता है? सॉरी, 4 + 1 कितना होता है? 5. 4 + 1 5. ओके बच्चे, ऐसे ही आप लोगों को ये नेक्स्ट 3 सम्स, 1 2 3, ये नेक्स्ट 3 सम्स आप लोगों को खुद करने हैं. आप लोग इसे अपनी फिंगर्स पे काउंट करके इसका आंसर लिख के मुझे सेंड करेंगे. नाम पे चढ़नी आ रही. ओके बच्चे, मैं आपको इसको होमवर्क में आपको सेंड कर दूंगी. आप लोगों को ये सारे सम सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं. ओके, अभी थोड़ी देर के अंदर जब आपकी नेक्स्ट क्लास ओवर होगी ना, नेक्स्ट क्लास आप लोगों की ईवीएस की क्लास ओवर होगी, उसके बाद आप लोग मुझे ये सारे सम सॉल्व करके मेरे नंबर पे सेंड कर देना. ओके, तो आज आप लोगों को होमवर्क में क्या क्या करना है फिर से देखिए. आप लोगों को टेबल ऑफ 4 and 5 डिवाइस करना है. इसको 2 times अपनी कॉपी पे राइट डाउन करना है. ओके, टेबल ऑफ 4 and 5. ओके, उसके बाद आप लोगों को एडिशंस करने हैं. एडिशंस हम रिवाइज करने हैं. ये सारे एडिशन सम्स आप लोग अपनी कॉपी पे करिए और उसे सॉल्व करके मुझे सेंड कर दीजिए. ओके बेटा, आप लोग समझ आ गया आपको क्या होमवर्क करना है? यस मैम, यस मैम. ओके बच्चे, ओके. एक